अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमीन और आप इस वक्त देख रहे हैं एक ऐसा ट्रिक जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसको याद करने से इंशाल्लाह इससे एक एमसीक्यू एमबीके टेस्ट में जरूर आता है। एक फाइल अप है, इसकी एग्जांपल है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको उस ट्रिक की वजह से ये आसानी से आपको याद रहेगा और इंशाल्लाह जब भी एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में तो ये ट्रिक याद करके इसका ऑप्शन फौरन सेलेक्ट करोगे। बहुत ही इजी है ये फाइल अप के एग्जांपल थोड़े ज़्यादा है तो इस बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये इस फाइल अप के या इस फाइल अप के, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी फार्मूला बनाए हैं जिसको याद करके इंशाल्लाह आप कभी भूल नहीं पाओगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एग्जांपल इस फाइल में है या इस फाइल में है। तो चलिए देखते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो और दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। शुक्रिया। अच्छा तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। आज का जो टॉपिक्स है और इसके लिए जो मैंने फार्मूला बनाई है वो है फाइलम सेलेंट्रेटा या सेनेडेरिया। इसके एग्जांपल के लिए पढ़ के इससे पहले ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कुछ चीज़ें मैंने पहले लिखी है ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जो है ना इसी से एमसीक्यूज आती है। इसके अगर ग्रेड की बात करें तो ये बिलोंग फ्राम रेडिएटा विच हैव टू प्रॉपर्टी। एक दो दो किस्म के ग्रेड है हमारे साथ, एक है रेडियल सेमिटी वाला और एक है बायलेटरल, एक है रेडिएटा और दूसरा है बायलेटेरिया। तो इसमें से ये सेलेंट्रेटा जो है ये कौन से ग्रेड से ताल्लुक रखती है? रेडिएटा। इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है रेडियल सेमिट्री। अगर सेमिट्री की हम बात करें तो इसकी सेमिट्री किस तरह होती है? रेडियल सेमिट्री होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है डिप्लोब्लास्टिक। रेडियल सेमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ कि ये जो है ना इसकी अगर हम डिवीजन करें तो ये मेनी प्लेन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो बायलेटरल सेमेट्री जो कि इंसान है ना हम बायलेटरल है, हम सिर्फ दो ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, या दूसरी कोई ऐसी चीज़ जो दो ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो उसे हम बायलेटरल सेमेट्री कहते हैं। और ये रेडियल है, इसको हम मेनी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं सेम एक ही तरह। अच्छा तो इस रेडियल सेमेट्री वाले सिर्फ दो फाइलम है। मैंने क्या लिखा है? रेडियल सेमेट्री वाले सिर्फ दो ही फाइलम है, एक है एकाइनोडर्मेटा और एक है सेलेंट्रेटा। तो इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, को एजुकेशन। सेलेंट्रेटा एजुकेशन मीन एकाइनोडर्मेटा। इसका जो सेमेट्री है सिर्फ रेडियल है, बट ये नोट जो मैंने लिखा है ये बहुत ही ज़बरदस्त नोट है और इसे आपको याद करना होगा। मैंने क्या लिखा है नोट में कि एनिमल ऑफ एकाइनोडर्मेटा आर बायलेटरी सेमेट्रिकल इन देयर लार्वा स्टेज बट द एडल्ट गेन रेडियल सेमेट्री। एकाइनोडर्मेटा के जो भी एनिमल है वह अगर लार्वा स्टेज पे हम देखें तो बायलेटरल सेमेट्री होती है उसकी, और जब एडल हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी सेमेट्री चेंज होके बायलेटरल से रेडियल सेमेट्री में चेंज होती है। और मैंने आपको बताया कि बायलेटरल सेमेट्री क्या होती है और रेडियल सेमेट्री क्या होती है, तो बस इसको ये याद रखना, ये दो ही है जो रेडियल सेमेट्री वाली है, बट इसमें जो काइनोडर्मेटा है ये पहले रेडियल बायलेटरल सेमेट्री में होती है और एडल जब होती है तो फिर रेडियल में चेंज हो जाती है। तो अच्छा अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसकी एग्जाम्पल जो बुक में गिवन है, केपीके की बुक में जो गिवन है, नंबर वन है पोर्पिटा, टू है कोरल, थ्री है ओबेलिया, फोर है जेलीफिश, फाइव है सी एनेमोन, सिक्स पर है हाइड्रा और सेवन है वेलेला। तो ये सेवन एग्जाम्पल है और बंदा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे मुझे पता है कि ये फाइलम सेलेंट्रेटा की एग्जाम्पल है या मोलस्का की एग्जाम्पल है या कोई और फाइलम जो है
उसकी एग्जाम्पल है, तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला बनाई है। तो फिर आपको याद रहेगी इंशाल्लाह कि ये इस फाइलम से बिलोंग करती है और इसकी ही मेम्बर है। तो मैंने क्या फार्मूला बनाई है, यही फार्मूला बनाई है मैंने, चार्ली पीसीओ जा शाहिद है वह, चार्ली पीसीओ जा शाहिद है वह। चार्ली किस चीज़ के, सी सी का आवाज़ निकलते हैं ना, तो ये रहा फाइलम, फाइलम सेलेंट्रेटा के जो मेंबर है चार्ली, सी का आवाज़ निकलते हैं ना सी, चार्ली फाइलम सेलेंट्रेटा पी सी ओ, ये इसकी पेयर एग्जाम्पल होगी। पी मतलब पोर्पिटा, सी मतलब कॉरल, ओ मतलब ओवेलिया। जा जे के आवाज़ निकलते हैं ना जे, जेली फिश शाहिद, एस एस स्टार्ट होता है एस, सी इन एमोड। और सिक्स नंबर पे हो गया है मैंने लिखा है एच का आवाज़ निकलता है हाइड्रा। और सेवन पोजीशन पे मैंने वाह वो वी वी का आवाज़ निकलता है ना वेलेला। तो ये है सिंपल फार्मूला, इसको याद करो इंशाल्लाह कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, चार्ली पीसीओ जा शाहिद हेवा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह मैं और भी ट्रिक्स लाऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी है, और डिटेल्स में हर टेस्ट में इससे एमसीक्यूज आती है। तो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।